मुकेश यादव की संपत्ति जब्त करने वाली है ईडी। जी हाँ, ईडी ने यूट्यूबर अल्पेश यादव से गुरुवार को करीब 8 घंटे की लंबी पूछताछ की। इस दौरान अल्पेश यादव से गायक फजील पुरिया के गाने के प्रयुक्त सांपों को लेकर भी कई बड़े सवाल दागे, लेकिन वह चुप्पी साधे रहे। सूत्रों के मुताबिक अल्पेश व गायक की संपत्तियां जब्त होने की तैयारी चल रही है। ईडी ने यूट्यूबर से फजील पुरिया व अल्पेश की कमाई को लेकर भी जानकारी निकालने की तमाम कोशिश की। आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय ने जिन पार्टियों ने सांपों के जहर की सप्लाई के गंभीर आरोप में घिरे यूट्यूबर अल्पेश यादव से गुरुवार को करीब 8 घंटे की लंबी पूछताछ की। अल्पेश यादव से गायक फजील पुरिया के गाने में प्रयुक्त सांपों को लेकर भी कई बड़े सवाल दागे गए, लेकिन उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। ईडी ने इससे पूर्व अगस्त माह में भी दो बार अल्पेश यादव से लंबी चौड़ी पूछताछ की थी। अब उसके विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए जाने की तैयारियां चल रही है। सूत्रों का कहना है कि अल्पेश यादव व गायक फजील पुरिया की संपत्ति जब्त किए जाने की भी तैयारी चल रही है। इसलिए ईडी ने यूट्यूबर से फजील पुरिया व अल्पेश की कमाई को लेकर जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। फजील पुरिया के जिस गाने में सांप दर्शाए गए थे, उस गाने में लगभग 50 लाख रुपए की कमाई हुई थी। ईडी ने 8 जुलाई को गायक फजील पुरिया से लंबी पूछताछ की। वो ये भी बता दें कि ईडी ने 3 दिन पहले भी अल्पेश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था, पर उसने आने से असमर्थता जताते हुए उस समय मना कर दिया था। अल्पेश यादव गुरुवार सुबह ईडी कार्यालय पहुंचे, जहां शाम 7 बजे तक उनसे कई बिंदुओं पर पूछताछ हुई। आय व संपत्तियों के बारे में भी सवाल जवाब हुए। वहीं हरियाणा के गायक फजील पुरिया को लेकर भी कुछ सवाल दागे गए थे। फजील पुरिया अपने एक गाने में गले में सांप टांगे नजर आए थे। ईडी की जांच सामने आया कि सांप अल्पेश ने उपलब्ध करवाए थे। गौतम बुद्ध नगर में नवंबर 2023 में रेव पार्टियों में सांपों के जहर की सप्लाई किए जाने को लेकर भी FIR अल्पेश यादव पर दर्ज कराई गई थी। ईडी ने FIR को आधार बनाकर मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस और छानबीन भी शुरू कर दी है। अल्पेश यादव पूरी तरह से फंसने वाले हैं। तो क्या अल्पेश यादव की संपत्ति जब्त कर लेगी ईडी, या फिर कुछ नया मामला खुलकर सामने आएगा।